Today's topic is preparation of phenol. Preparation of phenol में पढ़ते हैं हम कैसे कैसे आप फिनॉल को प्रिपेयर करेंगे. फिनॉल इज एरोमेटिक कंपाउंड. फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है. इसकी पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन से आप क्या बना रहे हैं? फिनॉल बना रहे हैं. क्लोरोबेंजीन इज, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन. ये आपका क्लोरोबेंजीन है. क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर यहां पर आप यूज करेंगे. इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड. ये क्या बनाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा. सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन आप करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ. डाइल्यूट HCl के साथ करेंगे, इट गिव्स, ये आपका क्या देगा? फिनॉल देगा प्लस NaCl. दिस प्रोसेस ऑल्सो नोन एज डॉ प्रोसेस. इस प्रोसेस को आप डॉ प्रोसेस भी बोलते हैं. तो दिस इज योर फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. सेकेंड प्रिपरेशन इज फ्रॉम ओलियम. सेकेंड क्या है? फ्रॉम ओलियम. ओलियम से भी आप क्या बनाते हैं? फिनॉल बनाते हैं. यहां आप लेंगे स्टार्टिंग कंपाउंड इज बेंजीन. बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ. एंड ओलियम इज H2S2O7. इट गिव्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H. बेंजीन सल्फोनिक एसिड फर्दर इट रिएक्ट विद NaOH. NaOH के साथ रिएक्ट करेगा. इट गिव्स सोडियम बेंजीन सल्फोनेट SO3 एंड सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. अब इसकी रिएक्शन होगी 2NaOH के साथ. आप 2NaOH के साथ फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर एक तो वॉटर मॉलिक्यूल लूज करता है एंड एक आपका लूज करता है Na2SO3 एंड इट गिव्स, ये क्या देगा आपका? इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड. ये सोडियम फिनॉक्साइड देगा. सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन फिर डाइल्यूट HCl के साथ करोगे आप, इट गिव्स फिनॉल. ये क्या प्रोड्यूस करेगा? फिनॉल. इट गिव्स फिनॉल. इट गिव्स, दिस इज योर सेकेंड. तो आपने क्या किया? बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देन NaOH के साथ तो बेंजीन सोडियम सल्फोनेट बनेगा SO3Na. तो NaOH का रिएक्शन कराएंगे, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा, Na2SO3 एलिमिनेट करेगा एंड इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड. इसकी रिएक्शन फिर आप डाइल्यूट HCl के साथ कर रहे हो तो फिनॉल प्रिपेयर. दिस इज योर सेकंड प्रिपरेशन. योर थर्ड प्रिपरेशन इज फ्रॉम, थर्ड प्रिपरेशन आपकी किससे है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. थर्ड प्रिपरेशन इज फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड. तो आप यहां स्टार्टिंग कंपाउंड ले रहे हैं NH2. NH2 का आप कर रहे हैं डाइजोटाइजेशन. Na2 HCl 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर लेंगे. इट गिव्स N2C. ये क्या देगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब आपका मिलेगा तो इसको आप कर रहे हैं वॉर्म विद H2O. वॉर्म विद H2O इट गिव्स फिनॉल. ये आपका फिनॉल प्रोड्यूस करेगा N2 प्लस H2. थर्ड प्रिपरेशन, फोर्थ प्रिपरेशन इज फ्रॉम क्यूमीन. क्यूमीन से भी आप क्या बना सकते हैं? फिनॉल बना सकते हैं. क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन. दिस इज योर आइसोप्रोपाइल बेंजीन. इसको आप बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन. एरियल ऑक्सीडेशन O2 के प्रेजेंस में इट गिव्स, ये आपका प्रोड्यूस करेगा CH3OOH. इस कंपाउंड का नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड. इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस.
पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस करेंगे, इट गेट्स फिनॉल, ये आपका फिनॉल प्रोड्यूस करेगा प्लस एसीटोन एज अ साइड प्रोडक्ट। तो ये है आपकी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यहाँ आपने फिनॉल को प्रिपेयर।